जाते हैं अपनी जिम में और जल्दी जल्दी अपनी जिम करेंगे। और बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैं बहुत लोगों को बताया है कि मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ और आप लोगों को फिर पता नहीं चलता, आप लोग फिर बार बार पूछ रहे हो, तो मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूँ कि मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे मेरी जो है ट्रेडमिल हो चुकी है, तो आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं बोतल क्यों नहीं लेके जाती, तो ये देखिए बोतल नहीं है, यहाँ पे पानी रखा हुआ है, गर्म पानी आता है तो गर्म पानी जो है वो हम पी लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल बिया मलिक, और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन यानी कि जिम की एंड रोज़ा की, कि मैं आजकल अफ्तारी कैसे बना रही हूँ और मेरी सैरी कैसी जा रही है। तो होप सो आज का व्लॉग जो है वो आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पर न्यू है वो जल्द से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो यहाँ व्यूवर्स मैं बना रही हूँ अफ्तारी, ठीक है जी, पहली अफ्तारी है और मुझे वैसे प्यास लग रही है, आप लोगों को लग रही है ये नहीं, ये मुझे आप फीडबैक में बताइएगा। तो अफ्तारी में जी चिप्स पकोड़े तो होते ही हैं और जी उसके साथ रोल्स वगैरह जो हैं उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया ऑलरेडी। चिप्स जो है वो मैंने यहाँ पे काट के रख लिया, इसके लिए बेसन का जो बनाना है मिक्सचर वो भी रहता है, ठीक है, इसको मैं साइड पे रख रही हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ पुलाव, उसके लिए मैंने लिए हैं 1.5 गिलास चावल ले लिया, ठीक है, और भिगो के रखे हुए थे पहले से। और फिर मैंने लिए हैं 2 टमाटर और 1 चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 मैंने लिए हैं हरी मिर्चें और 1 अदर मैंने मीडियम साइज़ का लिया है जी प्याज, उसको मैंने कर लिया है कट आउट। और अब चलते हैं यहनी की तरफ और उसकी भी आपको बता देती हूँ इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने लिया है जी 1/2 किलो चिकन लिया, ठीक है, उससे थोड़ा कम होगा या 3 पाव होगा। और इसके अंदर मैंने यखनी में क्या क्या डाला ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसके अंदर ना, हम मेरी पहले से याद होती है कि मैं इसके अंदर ही लहसुन की गुत्थी डाल देती होती हूँ और ज़ीरा डालती हूँ मैं इसके अंदर 1 चम्मच, और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा मैंने डाला है इसके अंदर सॉल्ट, थोड़ा यखनी जो है थोड़ी सॉल्टी वगैरह हो जाए। तो ये सब चीज़ें मैं ना पहले ही डाल के रख देती थी इसके अंदर, ठीक है। और फिर मैं जो है ना इसके अंदर से जो लहसुन है ना, वो लहसुन का जो असर वगैरह होता है इसके अंदर यखनी में चला गया है, वो मैं यूज़ नहीं करती, मैं ये छान के यखनी यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है, चावलों के लिए। तो ये हो गए सारे इन्ग्रीडियंट्स, आपने नोट कर लिए होंगे, चलते हैं रेसिपी की तरफ। चलिए जी, यहाँ मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है, देचके को रख दिया ऊपर, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को चावल बनाने के लिए एक टिप दूंगी कि जब भी चावल बनाने होते हैं ना, तो जो पतीला है ना वो थोड़ा खुला लेना पड़ता है, पर चावल फूलते नहीं है, ठीक है, ये भी एक छोटी सी टिप थी। चलें अब इसे बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम इसके अंदर डाल देंगे जी कुकिंग ऑयल। मेरी अम्मी मुझे हमेशा कहती तो ऑयल बड़ा ही खुले हाथ ना पा देनी है, तो ना मैं ज़रा सोच सोच के डालूंगी, ठीक है। ऑयल डाल चुका है हमारा और अब इसके अंदर जाएगा प्याज, इसको करेंगे हम ब्राउन करना है हमने इसे, क्योंकि हमने बनाना है बड़ा मज़ेदार सा पुलाव। और रमज़ान में ना एक प्रॉब्लम हो जाती है रोज़ेदार के लिए, वो ये होता है कि हम नमक मिर्च जो है वो टेस्ट नहीं कर सकते, बट इधर मेरे पास एक ऑप्शन है बिकॉज माई मदर इज़ अ डायबिटिक पेशेंट एंड उनको BP का प्रॉब्लम भी आया, तो वो तो उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, तो फिर मैं हेल्प ले लूँगी उस मामले में। चलिए मैं इसको भूनती हूँ, आपको दिखाती हूँ क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने प्याज का कलर डाल निकाल लिया है थोड़ा सा पानी डाल के, और मेरे साथ ही जो है इसके अंदर अदरक का जो है पेस्ट वो इसमें शामिल कर दिया है। और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो चिकन है ना, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे इसके अंदर से और वो इसके अंदर डाल देंगे। यहीं से मैं चिकन निकाल रही हूँ, साथ साथ ही मैंने डाल दे रहा है, और टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, आपको पता है आज के ना मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, टाइम बहुत गुजर गया है और मैंने अभी बाकी चीज़ें भी प्रेप कर ली है, थैंक गॉड मैंने चाट पहले ही प्रेप प्रूप करके रख दी थी। और ये रेसिपी है ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है, ये पुलाव जो है वो मेरा बड़ा फेमस है क्योंकि ये मैंने अपनी अम्मी से सीखा है, ठीक है जी। और ये जा रहा है जी चिकन सारे का सारा डाल दिया है मैंने, कुछ बस सुन गया नहीं बचा, और इसको भी थोड़ा सा जो है फ्राई कर लेंगे इस थोड़े से ऑयल में,
ऑयल मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था मेरी अम्मा कहते हैं हमारा हाथ बड़ा खुला है अच्छी चीज़ आप जी। टमाटर और हरी मिर्ची जो मैंने काटी हुई थी वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसके साथ हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी सूख मिर्च टेस्ट के हिसाब से, अगर आप ज़्यादा नमक मिर्च खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिएगा। हाँ मेरे घर में जो है ना कम ही खाई जाती है तो ये एक चम्मच मैंने डाली है सूख मिर्च, ठीक है। और नमक मैं अभी नहीं ऐड कर रही क्योंकि मैंने ऑलरेडी यखनी में भी नमक ऐड किया हुआ है, तो मैं ना पहले क्या करूँगी अपनी अम्मा से टेस्ट करवाऊँगी थोड़ा सॉल्ट वगैरह, तो फिर मैं डालूँगी। और ये इसकी भुनाई थोड़ी सी अच्छी से हमने कर लेनी है। और जब हम पुलाव बनाते हैं तो टमाटर वगैरह जो होते हैं ना वो हमने ज़रा मोटे मोटे काटने होते हैं क्योंकि वो फिर पुलाव में गल जाते हैं, बारीक टमाटर जो होते हैं वो गलते नहीं हैं। कुछ लोग टमाटरों को चॉप करके डालते हैं वो ना ये ना वो गलता नहीं है। चले जी इसमें शामिल कर दी है मैंने और अब हम क्या करेंगे जो यखनी है ना जो हमने बनाई हुई है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, थोड़ा सा ऐसे भूनती हूँ उसके अंदर यखनी डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ अभी आके कि मैंने क्या क्या करना है। और मैंने चिप्स बनाना जो है वो स्टार्ट कर दी है और जो यखनी है उसको उबाला गया था तो मैंने उसके अंदर चावल भी शामिल कर दिए हैं। आप इंशाल्लाह आपको प्लेट ऑर्डर करके दिखाऊंगी क्योंकि रेसिपी तो आपको समझ आएगी, बड़ी साल की थी। चलते हैं अब लेट्स गो लेट्स नेक्स्ट स्टेप। और ये है फ्रीज की जो है चिकन रोल्स और ये बनाने जा रही है, मैं फ्राई करूँगी और इसकी रेसिपी आपने जरूर चेक कर लेनी है, मैं दो दिन पहले ही आपको सिखाई है, तो चेक आउट दैट रेसिपी एंड लेट्स गो टू फ्राई दैट थिंग। नाउ आई एम फीलिंग दिस प्लेट विद दिस क्रीम, ठीक है। ये इसका बनाने का तरीका ये है कि इसके अंदर हल्का सा कट लगा लेना है, ठीक है, और क्रीम को फिल कर लेना है, दैन द क्रीमी फिल डेट्स जो है वो तैयार हो जाती है। हमेशा की तरह मैं यही बनाती हूँ क्योंकि घर में यही पसंद की जाती है, तो लेट्स इसको बनाते हैं अभी। चले जी यहाँ पे चीज़ फ्राई हो रही है और पुलाव जो है वो मेरे दम दे दिया है, ठीक है जी। और ये भी प्रोसेस में है सब चीज़ें और मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, मैं इस तरह से इसे ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, कट लगा कर और इस तरह से इसके अंदर ना क्रीम जो है वो डाल देती होती हूँ और ये थोड़ी सी बस डाल दी और इस तरह इसे बंद करके रख देती होती हूँ। इसी तरह मैंने ये सारी जो है ना वो तैयार कर लेनी है, ऐसे ये खोल लेंगे थोड़ी सी थोड़ा सा ये इसका मुँह खोल लेना है, ठीक है। एंड क्रीम एंड कैमरा एक ही साइड हो तुम्हें पता चले अच्छा ये ऐसे नंबर चला, तो ऐसे ही मैंने ये तीनों और जो है वो भी रेडी कर लेती हूँ और उस तरह ये मेरी बन जाएगी क्रीम फिल्ड डेट्स। और उसके बाद जो रोल है ये किचन रोल चिकन रोल है और इसको भी मैंने फ्राई कर लेना है और फिर आपको टेबल दिखाती हूँ, फाइनल लुक दिखाती हूँ टेबल की। अल्हम्दुलिल्लाह माय फाइनल लुक ऑफ टेबल इज़ रेडी एंड एवरीथिंग इज़ रेडी। देखें गर्म गर्म पुलाव है, ठीक है, और ये मैंने बनाई है क्रीम चाट और ये है चिप्स, ये है चिकन रोल, रायता है और ये है खजूरें, मुझे डेट फील खजूर होती है ना क्रीम से फुल, और साथ में मैंने कॉक रखी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया आज का रोज़ा, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करो उतना ही कम है और अल्लाह ताला तेरा इतना शुक्र है कि तूने मुझे इतना रिज़्क दिया है खाने के लिए। अल्लाह ताला मेरा रोज़ा कबूल करे और आप सबका भी रोज़ा कबूल करे। आप सबको मेरी तरफ से फिर से एक बार बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। अब जी ये जो आखिरी टाइम होता है ना ये दुआ का होता है और ये स्पेशल टाइम होता है कि सब बैठ जाएं और सब दुआ मांगें, तो ये वक्त जो होता है कबूलियत का होता है और अल्लाह ताला रोज़ेदार से खुद कहता है कि वो जो भी मांगेगा वो कबूल होगा और वो अल्लाह ताला खुद रोज़ेदार की सुनता है, तो रोज़ेदार जो होता है वो बहुत खुशकिस्मत है क्योंकि उसे अल्लाह ताला नज़दीक से आके सुनता है। तो आप जो इबादत का वक्त शुरू हो गया, मतलब अब दुआ मांगूंगी मैं, हम सब बैठने वाले हैं और दस्तरखान पे अब बैठेंगे, दुआ मांगेंगे और इफ्तारी करेंगे। तो आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत सारी चीज़ों के साथ मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अपना अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, ठीक है, बाबा अल्लाह हाफिज़। मुझे आप इजाज़त दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बाय। गाइस हम लोग कॉलेज जाने से पहले जो है वो अपने जिम में आ गए हैं, तो मैंने क्या किया रात को मैंने ना वो नूडल्स खा लिए जिसकी वजह से ना मेरा जो गला है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। सो अब मैंने दुआ करनी है कि मेरा गला बिल्कुल ठीक हो जाए। सो आज तो मैंने वैसे हेयर भी कलर करवा लेना है, मैं कौन सा हेयर कलर करवाऊँ, मैं कह रही हूँ मैं घर वालों के साथ प्रैंक करती हूँ।
सो गाइस ये पता नहीं मेरी शर्ट पे पता नहीं क्या गिर गया है, तो ये मैंने धोई भी है लेकिन ये दाग नहीं है, तो मुझे बताएं कि मैं इसके ऊपर ऐसा क्या लगाऊंगी ये दाग जो से वो चले जाए। तो अब अपनी ट्रेडमिल करते हैं, तो आपको अपनी ओवरऑल लुक दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना है। गाइस दिस इज माय लुक टुडे। और आप लोग कह रहे थे कि मैं स्नैपचैट पे आजकल एक्टिव नहीं रहती, पहले मैं ज़्यादा रहती थी क्योंकि वो मैंने स्टार्ट ही किया था ना स्नैप, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी स्नैप पे। तो बहुत जल्दी मैं स्नैप पे आऊँगी और बहुत जल्दी मतलब कि कल से स्टार्ट करूँगी कि मैं स्नैपचैट पे एक्टिव रहूँ। तो जी अफ्तार के बाद जो है वो मैं जिम चली जाती हूँ और जिम की रूटीन भी मैंने आपके साथ शेयर करती हूँ थोड़ी बहुत, ठीक है। तो होप्स आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल भी मलिक। मैं आपसे मिलूँगी नए व्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।